बीजी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि निधि ने आप लोग से कुछ गलत बात की है। आप उसकी बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा। दरअसल बात यह है कि शौर्या जेल में है ना, तो उस टॉपिक को लेके निधि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। आखिर माँ है उसकी। निधि के बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। नहीं, बात ये नहीं है राखी आंटी, बात कुछ और है। एक्चुअली निधि मॉम चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में बहू बन के आऊँ। बट निधि मॉम, ट्रस्ट मी, आप जितना चाहेंगी मैं इस घर में ना आऊँ, मेरे इस घर में आने के इरादे उतने ही पक्के हो जाएंगे। एक दिन आएगा निधि मॉम, आप बहुत पछताएंगी कि आपने मुझसे और मेरी फैमिली से ऐसे बात क्यों की। सबका टाइम आता है, मेरा टाइम भी आएगा। वो कहते हैं ना, 100 दिन सास के तो 1 दिन बहू का। ये प्रीता के आसपास रहने वाला या उससे जुड़ा कोई भी इंसान मुझे यहाँ दिखता है ना मेरे घर में, मुझे बहुत अनोइंग फील होता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो निधि। पहले तो मुझे भी इन मिडिल क्लास लोगों से बहुत नफरत थी। पता नहीं शनाया को देख के मैंने अपना व्यू पॉइंट चेंज क्यों कर दिया। शनाया को देख के मुझे ऐसा लगा कि अच्छी लड़की है और शौर्य से प्यार करता है। लेकिन अब जब मैं शनाया को नोटिस करती हूँ ना, तो समझ में आता है कि ये लड़की बहुत शातिर है। हमें इस घर के लिए कोई शातिर बहू नहीं, एक आज्ञाकारी बहू चाहिए जो हमारी हर बात माने। राइट राइट। थोड़ा टाइम रुक जाओ बुआ, एक बार शौर्य घर वापस आ जाए फिर देखना। इस शनाया का चैप्टर तुम्हें हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी। सैंडी तू घर जा यार। नहीं जाऊंगा। तू पागल पागल हो गया क्या? अननेसेसरी बहस कर रहा है तू, जाना घर यारू के क्या करेगा? अरे ब्रो यार, मेरी भी गलती है इसमें। जब तू उस पांडे से फाइट कर रहा था ना, तो मुझे तुझे रोक लेना चाहिए था। मुझे पता था हम क्या कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है। तूने अपने आप को देखा था, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल ब्रो। मैं तो डर गया था, मैंने सोचा मैं तुझे कैसे संभालू, कैसे समझाऊ ब्रो। मैं एकदम डर गया था, मैं पागल हो गया था यार। तू पागल हो गया तो होने दे, तू पागल ही रहे, अपना दिमाग मत यूज कर, तू प्लीज घर जा ब्रो। यार दोस्त हूं मैं तेरा। सैंडी प्लीज, ये दोस्तियां यारियां ये समझदारी वाली बातें ना इस वक्त मेरे साथ मत कर। वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, सबसे इरिटेटेड हूँ। खामखा तुझसे लड़ाई हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट, प्लीज गो होम। चलो चलो, टाइम इज ओवर। तुमने इतना रिक्वेस्ट किया इसलिए मिलने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि घंटों यहाँ पे गॉसिप करते रहोगे। देखो ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। शौर्य इंस्पेक्टर, प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं, प्रॉब्लम मुझे भी है। आखिर आप लोगों को मुझसे मिलने देते ही क्यों हो? मुझे किसी से नहीं मिलना था, आप बार बार लोगों को मेरे पास भेजते जा रहे हो। कभी इससे मिलो, कभी उससे मिलो, कभी इसे भगाओ, कभी उसे भगाओ। ना मुझे इससे मिलना था, ये यहाँ खड़ा है, मुझे उससे नहीं मिलना था, वो तो यहाँ आके खड़ी हो गई। ये इससे उसको कौन है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा?